हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वेलकम गाइस टू द बाइकर क्लब रेस 2015। आर यू रेडी गाइस? जैसा कि आपको पता ही है कि हम 6 महीनों से इस रेस का इंतजार कर रहे थे और आज फाइनली वो घड़ी आ चुकी है और आज कांटे की टक्कर होने वाली है मैरी और रॉकी के बीच में। सो इंट्रोड्यूसिंग टू आवर ओन रॉकस्टार मैरी। में रहो, ओके? कम ऑन मैडी। अरे क्या एंट्री है भाई, रेस तो तू ही जीतेगा। और नहीं तो क्या, इतनी मेहनत जो की है। वैसे भी हर बार ये रेस मैडी जीतता है, देखना इस बार भी जीतेगा। सिर्फ एक और रेस मैडी, फिर तुम्हारी बाइक दौड़ेगी इंटरनेशनल बाइक रेस में। युविका मैडी से ऐसे चिपकी हुई रहती है जैसे कि शहद पे सड़ी हुई मक्खी। ठीक कह रही हो तुम, मैडी ने जरा सा भाव क्या दे दिया, उसको अपना बॉयफ्रेंड समझने लगी है। मैडी की कॉन्फिडेंस को देख के लग रहा है कि वो ये रेस बहुत आसानी से जीत जाएंगे, क्या कहते हो? साबित हो सकता है भाई लोगों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रॉकी ने अपना हेलमेट उतार दिया और वो मैडी की तरफ बढ़ रहा है, आंखों में अंगारे हैं। भैया मुझे लग रहा है कहीं ये रेस ट्रैक बॉक्सिंग रिंग ना बन जाए, बहुत कुछ होगा यहाँ पर, आगे क्या क्या होगा यहीं रहो क्योंकि रेस अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज तेरी हार के बाद तेरी शो ऑफ की दुकान बंद। ए रॉकी, तू छोड़, तू जाके देख मेरी बाइक रेडी हुई कि नहीं। वेट एंड वॉच। अबे तूने मैडी की बाइक ठीक नहीं की, दिक्कत नहीं क्या, बिजी हूं। तू रॉकस्टार मैडी की बाइक को छोड़कर किसी अरे गरी की बाइक ठीक कर रहा है? इतनी गाड़ी तो खुद कर ले। ए, हेलो, तेरा भाव मत का समझा, एक कंप्लेंट कर दी ना तो रेस से निकलवा दूंगा तेरे को। छोड़ना ऋषि, क्यों लज रहा है इससे? ये सब रॉकी का प्लान है। अगर उसे ऐसा लगता है कि ये सब करके वो जीत जाएगा तो लगने देना। लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर द बाइकर्स, सब लोग अपनी पोजीशन पर आ जाएं क्योंकि रेस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। बाइकर्स के कॉन्फिडेंस को देख के लग रहा है कि आज चैंपियन का फैसला हो ही जाएगा। वैसे रॉकी मैडी की आंखों में देखता हुआ मानो कह रहा हूं कि ऑल द बेस्ट, तो तैयार हो जाओ बाइकर्स क्लब रेस 2015। Yeah.
लड़नी है तो ढंग से लड़ना। मेरी बाइक में कुछ प्रॉब्लम है। बाइक में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तेरे दिमाग में, उसका इलाज करा पहले। अबे जा। अरे जा नहीं, अब आ। हार रहा है तो बाने मार रहा है। अब देखते हैं कौन रेस जीतता है। सब ठीक तो है ना? मैरी अभी तक नहीं आया। ओहो ऋषि, तुम्हें बताए मैडी कहाँ है? नहीं अभी अभी यहीं पे तो था। मैंने उसे हर जगह देखा लेकिन वो कहीं नहीं है। मैंने उसे कॉल किया तो उसने मेरा कॉल पिक नहीं किया। काम डाउन, मैं कॉल करता हूँ। मुझे ये कह के गया था कि वॉशरूम जा रहा हूँ लेकिन वो वहां पर भी नहीं है। फोन स्विच ऑफ है। कहाँ चला गया? फोन भी बंद कर लिया। मैडी, सीआईडी को बुलाना होगा। हेलो सीआईडी, ये वाला निशान इस निशान से छोटा है सर। इसका एक ही मतलब है अभी सर कि गोली इसके पैर में पीछे से घुसी है। एग्जिट वुड नहीं है सर, कंधे पे गोली सामने से चलाई गई है सर। क्या आप में से किसी ने भी किसी को यहां से भागते जाते हुए देखा है? सर गोली की आवाज सुनते हम सब बाहर आ गए थे लेकिन यहां मेडी के अलावा और कोई नहीं था। गोली की आवाज सुन के आप लोग जब बाहर आए तो आपने खूनी को देखा नहीं दूसरी गोली चलाते हुए? दूसरी गोली? सर हमें तो सिर्फ एक ही गोली की आवाज आई थी, उसके बाद हम सब बाहर आ गए। सिर्फ एक ही गोली की आवाज सुनी तुम लोगों ने? ये कैसे हो सकता है अभिजीत, दो दो गोलियां चली और आवाज सिर्फ एक ही गोली की आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कूनी ने गन पे साइलेंसर लगाया हो, पहली गोली पे काम किया हो और दूसरी गोली पे साइलेंसर काम ना किया हो? सर ये देखिए, ये बुलेट शेल मिला। बुलेट का शेल और यहां पर ये निशान भी। पूर्वी जरा ये निशान का सैंपल लो प्लास्टर ऑफ पेरिस से। सर 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 उस तरफ ये टूटा हुआ मोबाइल मिला है। रिपेयर कराओ इसको, देखो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सर सर ये देखिए, सर लगता है ये किसी लड़की के सैंडल की हील है। लगता तो ऐसे ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली किसी लड़की ने ही चलाई। गोली चला के इस तरफ भाग गई। देखिए ये जो निशान बने ना छोटे छोटे गड्ढे, ये लगता है किसी लड़की के सैंडल के हील के हैं। तो क्या आप में से किसी ने भी किसी लड़की को यहां से
भागते हुए देखा या जाते हुए देखा? नहीं, लड़की को तो नहीं, एक आदमी को जरूर देखा था। क्या? आदमी? हाँ, आदमी, यहाँ गेट पे खड़ा था बाइक पर। कब कब देखा था? रात में। रात में कौन था वो? पता नहीं, जब मैंने उसे देखा तो लगा होगा कोई, और मैं अंदर चली गई। अच्छा, उसका चेहरा देखा? नहीं, उसने हेलमेट पहना था। बाइक का नंबर याद है? नहीं। अच्छा, बाइक के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सर, ऑरेंज कलर की स्पोर्ट्स बाइक थी। सर, क्या सर, जैसी बाइक भी बता रही हैं वैसी बाइक तो रॉकी के पास है। रॉकी? अभिजीत, उठाओ इस रॉकी को। ये तो बिल्कुल वैसी ही बाइक है, मैडी के पड़ोसन ने बताया था, बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हवा में उड़ रहा है। हवा में उड़ के जाएगा क्या? ये हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। अपनी सीट बेल्ट बांध लो पंकज। अरे सर, सर ये बार ब्रेक चेक कर लीजिए। सर ब्रेक लग रहा है ना? हाँ लग रहा है। सर सर, आप पहले माइकल छुपाकर के साथ काम करते थे क्या? मुझे जाने दो सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मुझे जाने दो। अच्छा, कल रात कहाँ थे? मैं अपने घर पे था सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम अपने घर पे थे? अब तुम्हारी ये गाड़ी मैडी के घर के बाहर खड़ी थी। सर, सर मैडी को मैंने ही मारा सर। सर लेकिन मैं क्रिमिनल नहीं हूँ सर। चुप! कहता है मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। एक आदमी का खून किया है तुमने और कहते हो कि तुम क्रिमिनल नहीं। अरे वाह! सर ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, जैसा आप समझ रहे हैं। सर जो कुछ भी हुआ मैडी की वजह से हुआ सर। मैडी की वजह से हुआ? मैडी की वजह से हुआ? वो कैसे? जरा हम भी तो सुने। क्या मैडी ने कहा तुमको कि मुझे मारो? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं तो फिर कैसा? सर मैडी के होते हुए मैं कभी जीत नहीं पाता, और उसके मरने के बाद मैं ही चैंपियन बनता। वाह रे वाह! अगर तुम नहीं जीतते और दूसरा कोई जीतता तो तुम उसे मार डालते। ये तुम्हारा इरादा था? सर गलती होगी सर। सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे करियर के सवाल है सर। ये पहले सोचना चाहिए था, समझे? खून तो किया है, अब सजा भी भुगतनी पड़ेगी, शायद फांसी। अब बोल सारू के। क्या
ठीक से बताना। ठीक है आता हूं। अरे तारिका क्या कर रहे हो तुम? डरो मत, ये मुझे मारेगी नहीं। ओह यार मैं क्या डर गया था। हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। अरे यार प्यार है ना। हाँ हाँ दिखाई दे रहा ना, कितनी चिंता है तुम्हारे चेहरे पर, प्यार है। अच्छा अब बता, चल जल्दी। तो क्या है, बहुत दिनों से सांप सीढ़ी का खेल नहीं खेला था, तो सोचा तुम्हारे साथ खेल लिया जाए। तू यार सांप सीढ़ी खेलने के लिए बुलाया? अरे यार तुम नाराज बहुत जल्दी हो। अच्छा ये बताओ कि तुमने खोजी को पकड़ लिया? हाँ पकड़ लिया रॉकी को, और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया, उसी ने वो दोनों गोलियां चलाई थी। बस बस 99 पर आकर के सांप ने डस लिया है तुम्हें, अब वापस नीचे आ जाओ। यार अभी प्लीज बकवास बंद करो, बता ना यार। देखो भैया पहले खूनी को तो पकड़ लिया, अब दूसरे खूनी को तो पकड़ो। क्या मतलब? मतलब ये देखो ये गोली जो इसके कंधे पे से मिली है, ये गोली और जो गोली इसके पैर पे लगी थी, दोनों दो अलग अलग गन से चली। सर जो शैल आपको मैडी की लाश के पास से मिला था वो इसके कंधे पर लगी गोली से तो मैच होता है, लेकिन रॉकी की गन से मैच नहीं हो रहा है। वो शैल रॉकी की गन से मैच नहीं होता है? जी यार सड़न की ये कैसे हो सकता है? पर बस ऐसा ही हुआ है। सर सर दोनों गोलियां मैंने ही चलाई थी सर। दो गोलियां इसने ही चलाई थी, कहां खड़े थे तुम? सर सर मैं वहां 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 गेट के बाहर सर। और मैडी कहां पर था? सर सर मैडी वहां उस तरफ सर, वो फोन पे बात करता करता बाहर आया और मैंने मौका देखकर एक के बाद एक गोली उस पे चला दी। तो जैसा लग रहा था कि पहली गोली कंधे पे लगी है वैसा हुआ नहीं है सर, लेकिन मेरी एक गोली उसके पैर पे तो जरूर लगी थी। अभिजीत इसने दो गोलियां चलाई, उसमें से लगी एक वो भी मैडी के पैर में, तो इसका मतलब है दूसरी गोली यहीं कहीं आसपास ही होनी चाहिए। जरा देखो अच्छी तरह से। सर हाँ अभिजीत सही है सर, गोली मिली है ये रही। ये रही गोली, रॉकी के गन में से दो गोलियां चली, एक पैर में घुसी और एक ये जो यहां इस पेड़ में घुसी। अब ये तीसरी गोली जो कंधे में लगी है मैडी के, वो किसने चलाई होगी? तो शायद वो सैंडल वाली लड़की होगी खूनी, उसने जो गोली चलाई उसकी आवाज आई, और इसने जो दो गोलियां चलाई उसकी आवाज नहीं आई। रॉकी क्या तुमने अपने गन में साइलेंसर लगाया था? जी सर। इसको जरा जांच के लिए भेज दो। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने मैडी के साथ किसी और को भी देखा? हाँ सर, मैडी के साथ एक लड़की थी। लड़की थी? कौन लड़की? सर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा सर, मैडी की पीठ मेरी तरफ थी और लड़की उसके सामने खड़ी थी। तुमने जो गोली चलाई वो मैडी के पैर में घुसी, और अब ये मैडी के कंधे में जो गोली घुसी है ना, वो जरूर उस लड़की के गन में से चली थी और उसी का शेल हमें मिला था। टूटा हुआ फोन जो मिला था वो जरूर मैडी का ही। मैडी की फोन के डिटेल्स निकालो। सर मैडी के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि इस विम्मी नाम की लड़की ने उसे कई बार फोन किया था। कौन है आप लोग? ये विमी का घर है ना? हाँ है तो? जरा बुलाओ उसे। अरे ऐसे कैसे बुला दूं? पहले ये बताइए कि आप लोग कौन हैं?
कहीं आप लोग गुंडे बदमाश तो नहीं? अरे टीवी भी नहीं देखते क्या आप लोग आजकल? कितने अपराध बढ़ गए हैं भाई, सतर्क रहना पड़ता है। और अगर आपको मैं बता दूं कि विमी दीदी कहाँ है और आप लोग बदमाश निकले तो? एक मिनट, हमारी शक्ल देखिए, हम आपको बदमाश दिखते? दिखने को तो मैं भी हीरोइन दिखती हूँ, पर हूँ क्या? नहीं ना। क्यों, क्या हुआ, अब समझ में आया? क्या साहब, आप भी क्या मजाक करते हो? अरे अगर मैं इतनी पढ़ी लिखी होती तो फिर यहाँ काम कर रही होती क्या? कहीं टीचर वीचर बन गई होती? देखो हम लोग सीआईडी से, क्या लिखा है इस पे? CID। CID? वो लोग जो गुंडे बदमाशों को पकड़ते हैं। बहुत बोलती हो, बुलाओ विमी को, बुलाओ। वो तो घर पे नहीं है। अच्छा तुम्हें पता है ना, झूठ बोलने की भी सजा होती है। आए हाय, क्या बात कर रही हैं आप? विमी कहाँ है? देखिए दीदी घर पे सच में नहीं है। चलो अंदर चलो। अरे अंदर चलो। अरे ये बैठो। क्या कर रही हैं आप, ऐसे कैसे जबरदस्ती कर सकती हैं? चुपचाप बैठो इधर। पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, विमी यहीं पर छुपी है, देखो अच्छी तरह से। विमी दरवाजा खोलो। नहीं नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगी, मुझे अकेला छोड़ दो। देखो विमी, हमें तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। आप पंकज क्या हुआ? सर दरवाजा नहीं खोल रही है। विमी, विमी दरवाजा खोलो। देखो तुम अंदर छुप कर बैठी हो, हमें पता है। विमी दरवाजा खोलो। सर। तुम सब बाहर निकलो यहाँ से। देखो तुम लोग मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। विमी बाहर आओ। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं बोल देती हूँ। देखो मेरे मेरे पास मत आना, वरना मैं खुद को मार दूंगी। नहीं। देखो हम सिर्फ तुमसे बात करने आए, शांत हो जाओ। तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आए, तुम्हारी मदद करने आए। देखो तुम सब झूठे हो। मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। छोड़ो मुझे। बताओ विमी, क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मैडी के साथ? उसने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया था, धोखा दिया था मुझे। तो उसने तुम्हें धोखा दिया और तुमने उसे मार डाला, वो उसी के लायक था। विमी जब रिश्तों में दूरी आती है तो ठीक करने के और भी तरीके होते हैं, कोई खून नहीं करता किसी का। मैडी को ठीक करने का यही एक तरीका था। उस रात क्या हुआ था? मैं मैडी को कॉल कर रही थी और वो मेरा फोन पिकअप नहीं कर रहा था। तो तुम यहाँ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मुझे 50-50 बार कॉल कर रही हो? मैंने तुम्हें समझाया था ना, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिरी बार कह रहा हूं, चली जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। सोच लो। धमकी दे रही हो, क्या कर लोगे? हाँ ये क्या पागलपन है? तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। हटाओ इसे। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम मेरी लाइफ के साथ खेलो। क्या उसने अपने दिल पर हाथ रखा था? जी हाँ,
और ये देख के मैं भी चौंक गई थी, लेकिन मैडी के दोस्तों की आवाज सुन के मैं वहां से भाग निकली। सर ये तो बहुत ही अजीब बात है, उसे गोली लगी थी पैर पे और राइट शोल्डर पे, और उसने हाथ रखा दिल पे। वही तो, दिल पे हाथ तो तभी रखा जाता है जब किसी को हार्ट अटैक आता है। अरे वाह कमाल, आज तो और कुछ भी मांग लेता ना भगवान से तो बन जाता। तो हमें भी बताओ क्या मिला है तुम्हें है? यार दरअसल मैं और तारिका तुम लोगों को याद कर रहे थे। क्या बात कर रहा है तू साड़ूंगे? यार अभी अभी मैं तुम्हारी याद कर रहा था। क्या बात कर रहे हो? अच्छा क्यों याद कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? सब ठीक है साड़ूंगे, और तो और जो काम तू नहीं कर पाया ना वो हमने कर दिया। मतलब जो मैं नहीं कर पाया तुमने कर दिया? अच्छा अच्छा बताओ बताओ क्या कर दिया? हमने पता लगा लिया है कि मैडी को क्या हुआ था। वाह जीनियस, कमाल। अच्छा बताओ क्या हुआ था? उसे हार्ट अटैक हुआ। ओए सारंखे, तारिका को क्या देख रहा है? हमें देख, हमें, हमने कर दिया ये सब। अरे वाह, आप लोगों को पता लग गया कि मैडी को हार्ट अटैक हुआ था, तो इसको हार्ट अटैक क्यों हुआ था ये भी पता लगा लिया होगा। अरे वाह, मतलब सारा काम तू हमसे करवाएगा, तू कुछ नहीं करेगा। देख साड़ूंखे, हार्ट अटैक कैसे आया ना ये पता लगाना तेरा काम है। तो मैंने पता लगा लिया। ये देखो, सालू के साहब ये क्या है? दिल है मैडी का। पोस्टमार्टम के दौरान जब हमने ये दिल खोला क्या पता चला मालूम है? क्या? ये देखो बस, दिल का ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा काला है। इसका मतलब मैडी को हार्ट अटैक नेचुरल नहीं आया था, ये जबरदस्ती करवाया गया है किसी जहर से। इसका मतलब ये सब कुछ किसी ने पार्टी में किया है। एक काम करो सचिन, पार्टी का सारा फुटेज मंगवा लो। सर सारे लोग एक ही जैसा ड्रिंक पी रहे हैं, फिर इन्हें कुछ कैसे नहीं हुआ? पूर्वी जो कुछ भी हुआ है इसी पार्टी में हुआ है, यहीं पर। एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से प्ले करो। देखा, यही है वो, इसी ने किया है ये। अरे सर ये तो ऋषि है, मैडी का दोस्त। तो फिर फ्रेडी, पता लगाओ इस वक्त ये ऋषि कहां पर है, फोन करो। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। सर फोन बंद आ रहा है। ऋषि का फोन बंद आ रहा है तो उसका कोई घर तो होगा। ऋषि, ऋषि। सर लगता है घर पे कोई नहीं है। सर दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। हाँ मगर कोई दरवाजा खुला रखकर क्यों जाएगा? देखो जरा ढूंढो अच्छी तरह से, घर को ढूंढो अच्छी तरह से। एक सीआईडी ऑफिसर है वो, सीआईडी। मेरे पास कोई आईडी वाईडी नहीं है।
अगर आईडी होते भी तो मैं तुमको क्यों दिखाऊं? हाय राम, पूरी की पूरी गैंग यहाँ है। चोर, बचाओ, बचाओ, चोर! माता जी, अरे सर, इनको समझाइए, ये हम सबको मरवा देंगी। मैं समझाता हूँ माँ जी, हम लोग चोर नहीं है, चोर नहीं है हम। चोर नहीं? अरे तुम लोग मेरे घर में चोरी करो और मैं शोर भी ना करूं। माँ जी, हम लोग चोर नहीं है, हम लोग सीआईडी से है। कहां से? सीआईडी, सीआईडी। जो मुजरिमों को पकड़ते हैं वो। खुजली? आय हाय, इसे खुजली है? दूर हो जा मेरे से, भूल गप्पे। अरे सुनिए, ऋषि कहां है? ऋषि क्या खुशी? तुम्हारे आने से मुझे कौन सी खुशी होगी? हाँ ऋषि। अरे शीशी, कौन सी शीशी? अरे शीशी नहीं, ऋषि। अरे तुम इतने जोर से चिल्ला क्यों हो? धीरे नहीं बोल सकते? मुझे सब सुनाई देता। अरे को रोको सर। ये कौन है? क्या माँ जी, ये कौन है? ऑन है, मेरे घर में गीजर हमेशा ऑन रहती है क्योंकि मुझे ठंडे पानी से बहुत ठंड लगती है। अरे माँ जी, ये माला वाला आदमी कौन है? माला? मेरे घर में कोई लाला वाला नहीं रहता। सर, लगता है ये वाला कान गया हुआ है, यहाँ आना पड़ेगा। माता जी, माला, 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 माला। मैं कोई ताला वाला नहीं लगाती अपने घर में। सर, सर मैं गूंगा हो जाऊंगा, सर मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा हो जाएगा, इस ऋषि के फोन रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। हाँ सचिन। सर, ऋषि के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। सर, सर लगता है उसने मोबाइल में से सिम कार्ड निकाल लिया है। सर, अरे ऋषि ना घर में है ना ऑफिस में है, तो फिर आखिर गया तो गया कहाँ? क्या कुछ पता चला उसके फोन की डिटेल्स के बारे में? सर, मैडी की मौत के तुरंत बाद ऋषि ने एक नंबर पे कॉल किया और फोन ऑफ कर दिया। उसके बाद दो बार उसने फोन ऑन किया और इसी नंबर पे कॉल किया। ये देखो, पिछले कई महीनों से इस नंबर पर फोन किया इस ऋषि ने। किसका नंबर है ये? सर, किसी प्रशांत नाम के आदमी का है और वो एक मैकेनिक है। सर, उसकी डिटेल मंगवाइए। गुड। सर, सर प्रशांत के सारे डिटेल्स आ गए हैं और सारे डिटेल्स मैंने स्कैन कर दिए। वेरी गुड। ये है मैकेनिक प्रशांत। ये क्या? एक मिनट, ये चेहरा तो जाना पहचाना लगता है मुझे, कहीं ना कहीं तो देखा है इसे, देखा है इसे। इसके चेहरे पर ये जो दाढ़ी और मूछें है ना, जरा साफ करके दिखाओ। ये तो मर चुका है। मर चुका है तो क्या हुआ फ्रेडी? अरे मृत्यु लोक से भी इसे बुला लेंगे। कैसे बुलाएंगे सर? इसकी तो फोटो देखी थी ना हमने ऋषि के घर पे। फ्रेडी, क्या है? ऊपर वाले से मेरी अच्छी जान पहचान है, उसे फोन कर दूंगा, वो भेज देगा उसमें। आद्या, तुम्हारी बाइक खराब हो गई है ना, रिपेयर्स की जरूरत है। एक काम करो, मेरे पास अच्छा मैकेनिक है, उसका नाम है प्रशांत। इस प्रशांत मैकेनिक से मिल लो। क्या इसमें? अरे पता नहीं यार, ये चलते चलते अचानक बंद हो गई। ठीक है साहब, अभी देखता हूं।
कब से काम कर रहे हो? बाइक ठीक तो कर दोगे ना? अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ अपनी बाइक से। साहब इससे भी हैवी बाइक फिक्स किया है, घबराओ मत, अभी ठीक कर लूंगा। सही कह रहे हो, एक बाइकर एक अच्छा मैकेनिक भी हो तो और भी अच्छा होता है। चकरा गए क्या? मैं मैकेनिक ही हूँ, मैं बाइकर नहीं हूँ। सब तुम्हारे बारे में सब पता है। क्या मतलब सर? तुम्हें क्या लगा कि ये दाढ़ी मूछ लगाकर मुंह छुपाकर हमको धोखा दे सकते हो? दुनिया को धोखा दे सकते हो, सीआईडी को नहीं। चल चल चल। मैंने मारा उसको, मेरे भाई के साथ मिलके। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो तुम लोगों ने एक चैंपियन को मार दिया? चैंपियन? चैंपियन नहीं था वो, मैडी एक घटिया आदमी था, चीटर था वो। मतलब चैंपियन तो मैं था, मैं और इस बात से मैडी मुझसे जलता था, इसीलिए उसने मुझे फंसा दिया। और मेरे चैंपियन का किताब मुझसे छीन लिया गया। मैडी ने दूसरे बाइकर्स की बाइक खराब की और इल्जाम मुझ पे लगाया गया। इस बात में मुझे इतना दुख पहुंचा कि मैंने अपना सुसाइड अटेम्प्ट किया। लोगों को लगा कि मैं मर गया और मैंने भी टाइटल लिया, मैं अपने जिंदा होने का राज पूरी दुनिया से छुपा के रखूंगा और मैडी से बदला लूंगा, अपना बदला। और इसका बदला लेने के लिए मैंने मैडी की ड्रिंक में जहर मिला दिया जिससे उसे हार्ट अटैक आ गया। प्रशांत, टाइटल वापस लेने के और भी तरीके हैं, मगर तुमने तो गलत रास्ता अपनाया। अब तो तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ले जाओ इन दोनों को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।